गेम ऑफ थ्रोन सीजन 4 एपिसोड नंबर 3। कहानी की शुरुआत होती है किंग्स लैंडिंग से, जहां पर जॉफरी की शादी होने वाली थी, मगर वो मर चुका है। मतलब शादी तो हो चुकी है, उसके फौरन बाद ही जहर पी लिया उसने। अब ये जहर उसे किसने पिलाया, ये हम फिलहाल नहीं जानते। सर्सी को लगता है कि ये काम टीरियन ने किया है। टीरियन को गिरफ्तार कर लिया गया है और सर्सी कह रही है कि सैंसा कहाँ है, सैंसा को ढूंढो। टाइवन लैनिस्टर किंग्स लैंडिंग के दरवाजे बंद करवा देते हैं और कहते हैं कि कोई भी सिटी में ना आ पाए ना यहाँ से जा पाए, मगर सैंसा फुर हो चुकी है, वो उड़ चुकी है। Where's Sansa? Find her. Bar the gates of the city, seize every ship in the harbor. Where is she? No one leaves the capital. No one. उसे सर डॉनटॉस नाव पर बिठाकर कहीं दूर लेकर जा रहे हैं। थोड़े रास्ते के बाद काफी फॉग नजर आता है और पता चलता है कि इस फॉग के पीछे एक शिप छुपी हुई है। सर डॉनटॉस सैंसा को शिप के ऊपर चढ़ने के लिए कहते हैं। सैंसा हिम्मत बांधती है और सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगती है। जब ऊपर पहुंचती है तो उसे सहारा देते हैं लॉर्ड पीटर बेलिश। सैंसा हैरान है, हम भी हैरान है कि ये लिटिल फिंगर करने क्या वाला है, इसने कहीं जॉफरी को मरवाया तो नहीं है, ये सब कुछ हुआ कैसे है, सैंसा यहाँ क्यों पहुंची है। पता चलता है कि सर डॉनटॉस को असल में लिटिल फिंगर ने हायर किया था सैंसा को यहाँ तक पहुँचाने के लिए। सर डॉनटॉस को पैसे के बदले यानी गोल्ड के बदले मौत मिलती है। सैंसा पूछती है कि सर डॉनटॉस ने मेरी मदद की है तो ऐसे में आपने उन्हें मारा क्यों। लिटिल फिंगर बताता है कि डॉनटॉस ने सैंसा की मदद पैसे के लिए की थी, उसे सैंसा पर किसी तरह का तरस नहीं आया था जो उसने उसे वहां से भगा दिया, ना ही सैंसा को दिया गया उसका जो नेकलेस था, जिसे डॉनटॉस ने कहा था कि उसकी खानदानी विरासत है, उसकी माँ का नेकलेस था ये और उससे पहले उसकी दादी का। ये सारी बातें झूठ थी क्योंकि असल में ये नेकलेस सिर्फ कांच का बना हुआ है, ये कोई कीमती नेकलेस नहीं है। सो जिस डॉनटॉस को मौत से सैंसा ने बचाया था उसको मौत तक सैंसा ही लाई। उसकी मौत पर जब सैंसा चीखती है तो लिटिल फिंगर कहता है कि तुम चुप रहो, अगर तुम्हारी आवाज क्वीन तक पहुंच गई तो अच्छा नहीं होगा। सैंसा कहती है कि मैंने राजा को नहीं मारा। लिटिल फिंगर कहता है कि तुम्हारा भरोसा कौन करेगा, क्योंकि जब जॉफरी की मौत हुई तुम वहां से भाग गई और भागकर यहां आ गई। लिटिल फिंगर उसे कहता है कि तुम अब सेफ हो, मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा। लिटिल फिंगर पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है। सैंसा देखते हैं आगे क्या करती है, अपना दिमाग चलाती है या लिटिल फिंगर के बहकावे में बहक जाती है। टाइविन लैनिस्टर ओबेरियन मार्टेल को डिस्टर्ब करते हैं, मगर उनके पास ओबेरियन के लिए एक ऑफर है। वो चाहते हैं कि ओबेरियन मार्टेल स्मॉल काउंसिल ज्वाइन करे और जो अभी ट्रायल होने वाला है टीरियन का, उसमें जज का रोल निभाए। ओबेरियन कह रहा है कि मुझे इंसाफ चाहिए और माउंटेन ने मेरी बहन को मारा था, उसका रेप किया था, उसके बच्चों को मारा था, तो मैं चाहता हूँ कि माउंटेन को भी मारा जाए, उसको भी खत्म किया जाए, मुझे जस्टिस चाहिए। ओबेरियन मानता है कि ये सारा काम जो माउंटेन ने किया था वो टाइविन के इशारों पर हुआ था, क्योंकि अल्टीमेटली माउंटेन लैनिस्टर्स को सर्व करता है। टाइविन कहता है कि तुम्हें इंसाफ मिलेगा, लेकिन जो काम मैं तुम्हें कह रहा हूँ तुम उसे करो, तुम फिलहाल टीरियन के ट्रायल में मेरे साथ जज बनो। टाइविन यहाँ पर ओबेरियन को हिस्ट्री याद दिलाते हैं और कहते हैं कि डॉन ऐसी जगह है जो टारगेरियंस के हिस्से में कभी नहीं आई, डॉन टारगेरियंस के आगे भी नहीं झुका। वो क्लियरली नहीं कहते, मगर उनके कहने का मतलब होता है कि सेवन किंगडम्स को डॉन की जरूरत है। वो बताते हैं कि नैरो सी के पार एक टारगेरियन लड़की 3 ड्रैगन्स को पाल रही है, आगे चलकर वो ड्रैगन्स बड़े होंगे और ये टारगेरियन लड़की नैरो सी पार कर सकती है, बेहतर होगा कि हम सब मिलकर एक साथ रहें। वैसे डॉन टारगेरियंस के आगे कैसे नहीं झुका था, इससे जुड़ी कहानी जानने के लिए आप इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। खैर, वापस आते हैं कहानी पर और पहुंचते हैं किंग्स लैंडिंग के डंजन्स में। यहाँ पर टीरियन को एक जेल में बंद करके रखा गया है। उसका सेवक पॉड्रिक पेन वहाँ पहुँचता है, उसने कुछ खाने की चीज़ें छुपाई हुई हैं
और वो बताता है कि मैं आपके लिए वाइन भी लेकर आया था मगर गार्ड्स ने मुझसे छीन ली। टीरियन को पता चलता है कि सांसा भाग चुकी है, वो फरार है। पॉट कहता है कि क्या आपको लगता है सांसा ने मारा है जॉफरी को। टीरियन कहता है कि भले ही जॉफरी ने उसकी फैमिली को कितना भी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया हो, उसके माँ बाप को मरवा दिया हो, मगर सांसा कातिल नहीं है। यहाँ पर थोड़ी थ्रिलर फिल्म की सिचुएशन बन जाती है। टीरियन अंदाजे लगाने की कोशिश कर रहा है कि जॉफरी को किसने मारा। हम भी यही सोच रहे हैं, राइट? जल्द ही पता चलेगा। टीरियन कहता है कि सिर्फ सर्सी ऐसी इंसान है जिस पर वो शक नहीं कर रहा है इस मौत को लेकर, बाकी जॉफरी की मौत के पीछे कोई भी हो सकता है। जॉफरी को हैंडल करना काफी मुश्किल था, तो हो सकता है किसी ऐसे इंसान ने जॉफरी को मरवाया हो जो चाहता हो कि टॉमन राजा बने, क्योंकि टॉमन को कंट्रोल करना आसान होगा। पॉडर टीरियन को बताता है कि उसके पास कुछ ऑफर्स आए हैं। उसे कहा गया है कि उसे सर की उपाधि दे दी जाएगी अगर वो ट्रायल में हिस्सा बने और टीरियन के खिलाफ गवाही दे, मगर पॉड ने ऐसा करने से मना कर दिया। टीरियन कहता है कि तुम अपनी जान का ख्याल रखो, अगर मुझे इस तरह से फंसाने की कोशिश की जा रही है, मेरी बीवी गायब है, तो हो सकता है तुम्हारी जान को खतरा हो। पॉडरिक ने सर की उपाधि ठुकरा दी क्योंकि वो टीरियन के लिए लॉयल रहना चाहता था। जब वो जाने लगता है तो टीरियन उसे कहता है कि तुमसे ज़्यादा ईमानदार और वफादार सेवक शायद आज तक पैदा ही नहीं हुआ होगा। वापस पहुंचते हैं किंग्स लैंडिंग, जहां पर मार्जरी और ओलेना टायरल एक दूसरे से बात कर रहे हैं। मार्जरी कह रही है कि मैं क्वीन हूं या नहीं हूं। ओलेना कहती है कि तुम क्वीन हो, रेनली से जब तुम्हारी शादी हुई थी उस वक्त तुम जितनी क्वीन थी उससे तो ज़्यादा ही हो अभी। इसके अलावा वो मार्जरी को कहती है कि भले ही तुम्हें अभी बुरा लग रहा है जॉफरी की मौत का, मगर यकीन मानो उसके साथ ज़िंदगी बिताना तुम्हारे लिए खूबसूरत नहीं होता, खुशमय नहीं होता। मार्जरी कहती है कि हाँ मैं ये बात समझती हूँ, मगर अब मैं क्वीन नहीं रही। You may not have enjoyed watching him die, but you enjoyed it more than you would have enjoyed being married to him, I can promise you that. But I would have been the queen. मार्जरी को लग रहा है कि कहीं वो अभिशापित तो नहीं है, क्योंकि उसके पहले पति रेनली की मौत हो गई थी और वो लड़कियों को पसंद नहीं करता था। उसका दूसरा पति यानी जॉफरी लोगों को और जानवरों को टॉर्चर करना पसंद करता था और उसकी शादी के दिन ही मौत हो गई। ओलेना कहती है कि ये सब बातें बकवास हैं। One of my husbands preferred the company of men and was stabbed through the heart. Another was happiest torturing animals and was poisoned at our wedding feast. I must be cursed. Nonsense. ओलेना कहती है कि तुमने जॉफरी पर कमाल का काम किया, तुमने बहुत ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल किया। अपने नेक्स्ट हस्बैंड को हैंडल करना तुम्हारे लिए आसान होगा। You did wonderful work on Joffrey. The next one should be easier. इस बीच रिवरलैंड में आर्या स्टार्क और हाउंड ट्विंस की तरफ बढ़ रहे हैं। हाउंड बताता है कि तुम्हारी आंट लाइसा जो है वो वेल में रह रही हैं, मैं तुम्हें उनके पास लेकर जाऊंगा, वो मुझे तुम्हारे बदले पैसे देंगी और उसके बाद के मेरे अपने अलग प्लान्स हैं। आर्या जानना चाहती है कि हाउंड कहाँ जाने वाला है पैसे लेकर। हाउंड कहता है कि शायद मैं नैरो सी पार करके सेकंड सन्स को ज्वाइन करूं और वहां पर एक लड़ाके के तौर पर अपनी ज़िंदगी बिताऊं। सेकंड सन्स वॉरियर्स की वही टुकड़ी है जिसे डारियो नहारिस लीड करता है। यहां से एक बाप बेटी गुजर रहे होते हैं, ये लोग फार्मर हैं। ये हाउंड से पूछते हैं कि कौन हो तुम। आर्या यहाँ पर झूठ बोलती है और कहती है कि हाउंड उसके पिता हैं, और जब से आर्या ने अपनी माँ को खोया है हाउंड का नेचर कुछ रूखा रूखा हो गया है। ये फार्मर समझ जाता है कि हाउंड एक नाइट है। वो कहता है कि तुम किस घराने के लिए लड़ते थे। आर्या यहाँ पर फिर से झूठ बोलती है और कहती है टलीज। वो अपनी माँ के घराने का नाम लेती है। यहाँ पर ये फार्मर कहता है कि टलीज के लिए लड़ने वाले लोग हमेशा हमारे घर में वेलकम हैं। आप आइए हमारे घर में रुकिए, कुछ खाइए पीजिए और उसके बाद अपने रास्ते पर आगे बढ़िए। आर्या खुश हो जाती है। इसके बाद दिखाते हैं कि ये लोग डिनर टेबल पर बैठे हैं। दोनों को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, मगर ये फार्मर अपनी बेटी के साथ प्रेयर कर रहा है और जैसे ही प्रेयर खत्म होती है ये लोग खाने पर टूट पड़ते हैं। We ask the crone to guide us on our journey from darkness to darkness. And we ask the stranger not to kill us in our beds tonight for no damn reason at all. हाउन का जो रिएक्शन होता है प्रेयर के वक्त वो बहुत ही अमेजिंग होता है। बातचीत के दौरान ये जो फार्मर है वो हाउन को कहता है कि तुम मेरे लिए काम कर सकते हो, मेरे अंदर अब इतनी जान नहीं है, इतनी ताकत नहीं है कि मैं खुद से सारे काम कर पाऊँ, मैं तुम्हें पे करूँगा।
हाउंड कहता है कि तुम्हारे पास पैसे हैं। यहाँ पर ये नेक दिल इंसान बता देता है कि उसने कुछ सिल्वर कॉइन्स छुपा कर रखे हुए हैं और वो पे कर पाएगा हाउंड को। अगले दिन सुबह जब आर्या की आंख खुलती है तो उसे कुछ चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। वो बाहर जाती है तो पता चलता है कि हाउंड ने उस फार्मर को पीटा है और उससे उसके सिल्वर कॉइन्स छीन लिए हैं। ये चांदी के सिक्के अब हाउंड के पास है। आर्या बहुत ज्यादा गुस्से में है। वो हाउंड पर चिल्लाती है, चीखती है, कहती है कि तुम चोर हो, तुम ये पैसे उसे वापस करो, ये उसके सिक्के हैं, उसने हमें अपने घर बुलाया, खाना खिलाया पिलाया और तुम इस तरह से बर्ताव कर रहे हो। हाउंड कहता है कि ये इंसान कुछ दिनों बाद मर जाएगा, इसकी बेटी भी मर जाएगी क्योंकि सर्दियां आ रही हैं और ये लोग इतने ताकतवर नहीं हैं कि सर्दियों से जूझ पाएं, ये सिक्के बेकार होंगे। ग्रेट सेप्ट ऑफ वेलर में प्रिंस टॉमन अपने बड़े भाई जॉफरी की डेड बॉडी के आगे खड़े हैं। उनके साथ में सर्सी भी हैं। मैं टॉमन को उन करके इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि अब वो राजा बनने वाले हैं, छोटे राजा। टाइविन को ये बात पता है और इसीलिए अभी से वो टॉमन को समझाने बुझाने की कोशिश कर रहा है। सर्सी कहती भी है अपने पिता को कि ये सही वक्त नहीं है, मगर टाइविन सर्सी को इग्नोर करता है। वो टॉमन को कहता है कि अब तुम राजा बनने वाले हो। कैसे राजा बनोगे तुम? टॉमन कहता है मैं एक अच्छा राजा बनूंगा। टाइविन यहाँ पर टॉमन को समझाते हैं और कहते हैं कि अच्छा होने के लिए आपको क्या क्या होना पड़ता है। इस बारे में दोनों का डिस्कशन होता है। टॉमन कभी कहता है कि होलीनेस इंपॉर्टेंट है, यानी कि प्योर होना इंपॉर्टेंट है, भगवान में विश्वास करना इंपॉर्टेंट है एक राजा के लिए। कभी कहता है कि मजबूती इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेंथ को इंपॉर्टेंस देता है वो। और टाइविन कहता है बार बार कि नहीं, इस तरह के जो राजा हैं वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए या ज़्यादा नहीं जी पाए। टॉमन कहता है कि जस्टिस एक राजा का देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर टाइविन बताता है कि सिर्फ जस्टिस भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इंसाफ पसंद होना ही ज़रूरी नहीं है, एक राजा को और भी बहुत कुछ होना पड़ता है। आखिरकार तय होता है कि एक राजा को अच्छा बनने के लिए समझदारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टाइविन कहता है कि हाँ, ये तुमने सही कहा, समझदारी ज़रूरी है। मगर ये बताओ, अगर तुम्हारे पास ऐसी कोई सिचुएशन आए जिसके बारे में तुम्हें पता ही नहीं, तुम्हें नॉलेज ही नहीं, तब तुम क्या करोगे? वो कहते हैं कि तुम्हें अपने सलाहकारों की सुननी होगी। एक अच्छा राजा अपने एडवाइजर्स की बात हमेशा सुनता रहता है, और ज़रूरत के वक्त पर भी और आगे चलकर भी। टॉमन को ये बातें समझ में आ रही हैं। टाइविन उसको अपने साथ लेकर ग्रेट सेप्ट ऑफ बेलर से बाहर चले जाते हैं। वो टॉमन को अपने शिकंजे में कस रहे हैं। जॉफरी के साथ तो ये नहीं हो पा रहा था, मगर टाइविन ने फिर भी अपनी खूब चलाई। टॉमन को हैंडल करना आसान होगा। यहाँ पर जेमी पहुँचता है। वो सेप्ट ऑफ बेलर के दरवाजे बंद करवा देता है और वहाँ से बाकी लोगों को जाने के लिए कहता है। और यहाँ पर होता है बेहद कॉन्ट्रोवर्शियल सीन। एक्चुअली ये जो सिचुएशन है ये बुक्स में थोड़ी अलग है। यहाँ पर सीन एक होता है जहाँ पर जेमी सर्सी को रेप करता है। सर्सी आखिर तक हाँ नहीं कहती। वो जेमी को लगातार मना करती रहती है कि ये कोई वक्त नहीं है, ये कोई सिचुएशन नहीं है कि हम करीब आएँ, हमारे बेटे की अभी अभी मौत हुई है। मगर जेमी को फ़र्क नहीं पड़ता और वो अपनी चलाता है। इस सीन को ऐसा देखकर लगता है कि सर्सी का रेप हो रहा है, मगर बुक्स में ऐसा नहीं है। बुक्स में सर्सी मान जाती है, अपने बेटे की मौत से वो वल्नरेबल होती है। जेमी भी बहुत वक्त बाद वापस किंग्स लैंडिंग आया है और ये दोनों अभी तक करीब भी नहीं आए हैं। ऐसे में ये सिचुएशन लव मेकिंग की होती है, जो अपने आप में बहुत वियर्ड है क्योंकि जॉफरी वहाँ पर मरा हुआ है, और अगर अपनी मर्जी से भी ये दोनों साथ आ रहे हैं तो भी अजीब है। मगर रेप नहीं था, ये कन्फर्म है बुक्स में। कैसल ब्लैक में सैमुअल टार्ली को हर वक्त गिली की फिक्र सताती रहती है। उसे अपने नाइट्स वॉच के भाइयों पर भरोसा नहीं है। वो सोचता है कि यहाँ पर इतने सारे मर्द हैं और गिली अकेली है। नाइट्स वॉच के लोगों में काफी सारे रेपिस्ट और मर्डरर्स हैं। वो कहता है कि गिली के रहने के लिए कैसल ब्लैक सेफ जगह नहीं है। वो गिली को कन्विंस करता है और पास के ही एक गांव में लेकर जाता है। गिली को यहाँ पर साफ सफाई का काम दिया जाएगा। वो शायद कुछ कुक वगैरह भी किया करेगी और इसके बदले उसे यहाँ रहने की, खाने पीने की इजाजत दी जाएगी। गिली अपने बेटे के साथ यहीं पर रहेगी। आप नोटिस करेंगे कि गिली को सैम पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। वो उसे नाराज है। वो नहीं चाहती कि सैमुअल उसे यहाँ पर छोड़कर जाए, मगर सैमुअल को लग रहा है कि ये जगह गिली के लिए ज्यादा सेफ है। नाइट्स वॉच के लोग बहुत खतरनाक हैं।
यहीं से कुछ दूरी पर एक गांव पर वाइल्डलिंग्स अटैक करते हैं। यहाँ पर एक बच्चे की पूरी फैमिली को खत्म कर दिया जाता है। इसका नाम ओली है। ये खुद को छुपा लेता है एक जगह पर, मगर अल्टीमेटली ये थेन्स के हाथ लग जाता है। थेन्स इस बच्चे को टॉर्चर करते हैं, फिजिकली नहीं, इमोशनली। वो उसे बहुत कुछ बताते हैं कि हम तुम्हारी माँ को खाने वाले हैं। आपको याद होगा कि ये लोग कैनिबल्स हैं। वो ओली को कहते हैं कि तुम जाओ कैसल ब्लैक और वहाँ जाकर बताओ कि यहाँ पर तुमने क्या देखा। ये बच्चा अपनी पूरी फैमिली को खो चुका है, इसका पूरा गांव लगभग खत्म हो चुका है। ये अपनी जान बचाने के लिए वॉल की तरफ दौड़ता है। यहाँ वॉल पर एड और ग्रेन वापस आ गए हैं, ये अभी तक जिंदा हैं। इनकी जॉन से बात होती है। एड और ग्रेन बताते हैं कि क्रैस्टर कीप में अब कार्ल और रास्ट का कब्जा है, उन्होंने क्रैस्टर को मार दिया है और उन्होंने ही लॉर्ड कमांडर को मारा। पता चलता है कि क्रैस्टर की बेटियों पर जुल्म ढाया जा रहा है और कार्ल और रास्ट वहां पर अपनी जिंदगी जी रहे हैं। ये अपनी नाइट्स वॉच की शपथ को भूल गए हैं और क्रैस्टर की कीप पर इन्होंने डाकुओं की तरह कब्जा किया हुआ है। जॉन यहाँ पर एलिस्टर को कहता है कि हमें क्रैस्टर कीप में जाना होगा और रास्ट और कार्ल को मारना होगा, क्योंकि मैंस रेडर जल्द ही वॉल की तरफ आने वाला है और जब उसके लोग क्रैस्टर कीप पर पहुंचेंगे तो रास्ट और कार्ल बता देंगे कि असल में वॉल पर कुछ 100 लोग ही हैं। एक्चुअली जॉन ने मैंस रेडर को कहा था कि कैसल ब्लैक में वॉल की निगरानी के लिए लगभग 1,00,000 सोल्जर्स मौजूद हैं, जो बात पूरी तरह से झूठ है। वो कहता है कि अगर मैंस के लोग कार्ल और रास्ट तक हमसे पहले पहुंच गए तो फिर हमारे मरने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। मैंस के लोग फौरन वॉल पर अटैक करेंगे। इस सिचुएशन में नाइट्स वॉच की टुकड़ी को क्रैस्टर्स कीप पर जाना होगा और रास्ट और कार्ल को खत्म करना होगा। नैरो सी के पार स्लेवर्स बे में डेनेरियस मिरीन सिटी के सामने पहुंच चुकी है। ये एक स्लेव सिटी है। डेनेरियस इस सिटी पर कब्जा करना चाहती है, इसको भी अपने अंडर करना चाहती है। यहाँ पर जो भी गुलाम है उन्हें आज़ाद करवाना चाहती है। मिरीन से एक चैंपियन सामने आता है। A single rider, a champion of Marine. They want you to send your own champion against them. गेट्स खुलते हैं, एक शख्स घोड़े पर सवार है। बाहर आकर वो डैनी के सामने बदतमीजी करता है, वो उसे नीचा दिखाता है। डैनी को गुस्सा आता है। अब उसके सर पर यह जिम्मेदारी है कि वो अपनी तरफ से किस लड़ाके को, किस वॉरियर को चैंपियन बनाकर भेजे। एक्चुअली यहाँ पर बैटल नहीं होगी, पहले मिरीन की तरफ से एक चैंपियन आएगा और डेनेरियस की तरफ से एक चैंपियन जाएगा। जो जीतेगा उसे विनर माना जाएगा। बेसिकली वॉर की या बैटल की जरूरत ही नहीं है। I have something to say to the people of Marine. First, I will need this one to be quiet. Do I have a champion? Actually, Barristan Selmy is duel mein hissa banna chahte hain kyunki puri Marine city dekh rahi hai. Magar Daenerys kehti hai ki Barristan Selmy, aap mere liye kafi keemti hain. Jorah ko bhi wo yahi kehkar mana karti hai ki aap mere dost hain, aap mere advisor hain. Main aapki is jaan ko is tarah se jokhim mein nahi dal sakti. वो ग्रेवॉर्म को भी मना करती है। फाइनली डारियो नहारिस पर बात तय होती है। डारियो जाता है, वो किसी घोड़े पर नहीं बैठता और बहुत आसानी से इस चैंपियन का काम तमाम कर देता है। काफी खूबसूरत तरीके से अपने चाकू को फेंकता है जो घोड़े के जाकर लगता है। घोड़ा डिसबैलेंस होता है, गिर जाता है और डारियो नहारिस इस चैंपियन को मार डालता है। वो डेनेरियस से की गई बदतमीजी का भी बदला लेता है। इसके बाद डेनेरियस अपने कुछ लोगों को आगे बुलाती है। यहां पर मेरीन पर बम नहीं फेंके जाएंगे, कुछ और प्लान है डेनेरियस का। कुछ चीज़ें जाकर सिटी की दीवारों के पार गिरती हैं। ये हथियार नहीं हैं, बस उन स्लेव्स की बेड़ियां हैं जिन्हें डेनेरियस ने आज़ाद करवाया है। वो मिरीन के स्लेव्स को दिखाना चाहती है कि तुम भी आज़ाद हो सकते हो। वो कहती भी है इससे पहले कि मेरे बारे में तुम्हारे मास्टर्स ने तुम्हें जो भी बताया है वो गलत है। मैं अलग अलग सिटीज़ में गई और मैंने ग़ुलामों को आज़ाद करवाया। मैं और कुछ नहीं चाहती, मेरे साथ रहकर तुम आज़ाद होगे।
वो ये भी नहीं चाहती कि लोग उसे फॉलो करें, बस जो अपनी मर्जी से उसके साथ आना चाहता है उसका स्वागत है, जो नहीं आना चाहता वो आजाद होकर कहीं और जा सकता है, मगर उसे गुलाम की जिंदगी जीने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा डेनेरियस के अंडर। अब ये गुलाम इन बेड़ियों को देख रहे हैं और मास्टर्स को डर लग रहा है। मिरीन के मास्टर्स सोच रहे हैं कि ये जो आइडिया है ये काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। एक्चुअली जब तक किसी को पता ना हो कि उसे क्या नहीं मिल रहा है, वो क्या मिस कर रहा है, तब तक उस चीज की वैल्यू नहीं होती। आजादी का सपना काफी इंस्पिरेशनल होता है। मिरीन के मास्टर्स को यही डर सता रहा है कि अब इनके गुलाम कहीं बागी ना हो जाएं। देखते हैं आगे क्या होता है। ये एपिसोड तो यहीं पर खत्म हो गया है, आगे की स्टोरी जल्दी सुनाऊंगी आपको। आप अपना ख्याल रखिएगा, बाय। एक मिनट, अभी कहीं जाना नहीं है। इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने वॉच रोज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत ही गलत बात है। नए साल पर ये नेक काम करिए और अपने दोस्तों में प्यार बांटिए। वॉच रोज का प्यार भी तो आप ही का है ना। ता-दा!